तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। और वीडियो काफी अच्छी इम्प्रूव भी हो रही है और वर्कआउट भी काफी अच्छा हो रहा है और हमारा वीक वन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा स्टार्ट है वीक टू। आज का जो हमारा वर्कआउट शेड्यूल होने वाला है वो चेस्ट बेस्ड वर्कआउट होने वाला है, क्योंकि आज हम मोस्टली चेस्ट को ट्रेन करेंगे। चेस्ट के हम कम से कम 4 से 5 सेट लगाएंगे। एंड पहले हमें लगाना है बेंच। बेंच में मुझे आज एक सेट जाएगा मेरा वर्किंग सेट 85-90% पे 2 रैप के लिए, और बाकी देखते हैं कैसा जाता है। उसके बाद ब्रेकडाउन सेट आएगा मेरा 75% पे 3 सेट 6-6 रैप के लिए। तो यही चल रहा है और वर्कआउट भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। और लास्ट में हम करेंगे थोड़ा सा शोल्डर साइड रेजेस, जो कि काफ़ी होगा शोल्डर के लिए, क्योंकि शोल्डर मैंने लास्ट सैटरडे को भी ट्रेन किया था। आज है मंडे और मंडे को तो भीड़ रहेगी चेस्ट पे, देखते हैं कैसे होगा। बाकी 7 जिम का भी टाइम हो गया, 7:30 बजे तक हम जिम निकलेंगे। और मैं जैसे कि आप मेरा ड्रेस अप देख सकते हो, मैं अभी साइड पे से आया हूँ एंड थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके वीडियो शूट करने लग गया, क्योंकि वीडियो भी अब रेगुलर जा रही है। वीडियो हफ्ते में 2 वीडियो तो जा ही रही है एंड ये आई होप 4th वीडियो है इस प्रोग्राम की। होप सो इस पूरे प्रोग्राम तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास काफ़ी सारी वीडियोस हो जाएंगे एंड हमारा एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का बन जाएगा कि वीक 1 पे हमने कितना लिफ्ट किया था, कैसी स्ट्रेंथ थी, वीक 8 पे हमारी स्ट्रेंथ कैसी है। तो और बाकी और भाई जैसा कि आपको पता है कि मैं बाहर आया हूँ आउट ऑफ दिल्ली, और सबसे बढ़िया बात अकेले रह रहा हूँ, और अकेले रहने की बात तो बहुत अच्छी है। मतलब डिसिप्लिन सीख जाता है बंदा एंड उसके बाद डाइट भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि कुछ आलतू फालतू खाने के लिए कुछ नहीं पड़ा होता है फ्रिज में या फिर कहीं भी आसपास, जो होता है डाइट का सामान ही है। तो उसमें डाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वर्कआउट अच्छा हो रहा है, नींद भी पूरी हो रही है, 8 घंटे की नींद पूरी हो रही है एंड रेस्ट भी अच्छी खासी हो जाती है। मतलब ये नहीं इतना बर्डन का काम है, नॉर्मल है। सुबह 9:30 बजे जाता हूँ, 5:30 बजे तक वापस घर, उसके बाद हमारा जिम का शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है। तो यही है, और अभी तक यहाँ पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड बताना वीडियो कैसी लग रही है क्या। तो यही है, बाकी चलते हैं जिम के लिए, अपना प्री वर्कआउट मिल लेते हैं और फिर मिलते हैं सीधा आपको जिम में। Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take the sting out these words before I say 'em. 'Cause ain't no way I'ma let you stop me from causing mayhem. When I say I'ma do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me, so fuck the world, feed it beans. It's gassed up. If you think you're stopping me, I'ma be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No way fans are bust, don't try to ask him why or how can he. From Infinite down to that last relapse album, he's still shitting. Whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse, he's married to the game, like a fuck you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid, I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, everybody, come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. And cut the crap. I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting capped. And to the fans, I'll never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last we laughed. CD was aired, perhaps I ran them accents into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say is get back to clap, clap. 'Cause I ain't playing around. It's a game called circling, I don't know how. I'm way too up to back down, but I think I'm still trying to figure this crap out. Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. This fucking black cloud still follows me around, but it's time to exercise these demons. These motherfuckers are doing jumping jacks now. I'm not afraid, I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, everybody, come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. You know that you're not alone.
just can't keep living this way. So starting today, I'm breaking out of this cage. I'm standing up, I'ma face my demons. I'm manning up, I'ma hold my ground. I've had enough, now I'm so fed up. Time to put my life back together right now. My decision to get clean, I did it for me. Admittedly, I probably did it subliminally for you, so I could come back a brand new me. You helped see me through, and don't even realize what you did, cause believe me, you, I've been through the ringer, but they can do little to the middle finger. I think I got a tear in my eye, I feel like the king of my world. Haters can make like bees with no stingers and drop dead. No more pee flingers, no. So bhai, ho gaya aaj ka workout khatam, aur ghar aake le rahe hum apna ek scoop protein पानी के साथ, क्योंकि कटिंग पे हैं तो पानी के साथ ले रहे हैं. अभी गेनिंग पे भी होते तो पानी के साथ रहते, क्योंकि पैसे अभी कम है. तो आज का वर्कआउट यही था. और पंप भाई साहब बड़ा तगड़ा है, देखो. और भाई आज का वर्कआउट बिल्कुल एकदम दमदार खतरनाक हुआ. पंप भी काफ़ी तगड़ा आया, और बॉडी में भाई जो चेंजेस आ रहे हैं ना भाई डाइट से, मतलब एक तो वर्कआउट भी सही आ रहा है, स्ट्रेंथ भी सही हो रही. मतलब मैंने आज 90 किलो से बेंच में 90 kg से 2 रेप लगाए, वो भी RPE 8 से. मतलब 2 रेप और जा सकते थे, मतलब इजी वाले, ये नहीं कि एकदम स्ट्रगल के साथ, इजी वाले रेप आए थे. काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि और बॉडी वेट भी कम हो गया मेरा, अराउंड 74 के करीब है. तो कम बॉडी वेट पे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, घटनी रही बढ़ रही है, और तो अच्छी बात है ये. और ऐसे ही हम अपनी डाइट को कंटिन्यू करेंगे जब तक यहाँ पे हैं. होप्सो यहाँ पे अभी 1-1.5 महीना रहना है, तो 1-1.5 महीने में तो भाई काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आने वाली है अब, क्योंकि हाँ, तो 1-1.5 महीने में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आने वाली है. तो यही है, एंड वीडियो बताना वीडियो कैसी लग रही है. अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और यहाँ तक देख चुके हो बहुत बढ़िया भाई. मेरे लिए भी अच्छी बात है कि आपको यहाँ तक रोका हुआ है मैंने, ठीक है. तो बाकी सब ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में.